नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से भाग सिखाने वाला हूं। अगर आपने भाग का ABCD भी नहीं पढ़ा है, मतलब भाग को आपने आज से पहले कभी हल नहीं किया है, तो भी आज का ये वीडियो आपको भाग सिखा देगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको भाग नहीं आता है। अगर आपको भाग आता भी है तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें लोग गलतियां कर देते हैं, जो आपको पता नहीं है, जो आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिनको आता है वो भी ध्यान से देखें और जिनको नहीं आता उनको तो ध्यान से देखना ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिनमें गलती हो सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया भाग होता क्या है। ठीक है, भाग होता क्या है? तो जैसे कि मेरे पास मान लीजिए एक रस्सी है। ठीक है, हम एक रस्सी का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास मान लीजिए एक रस्सी है, ये कितने मीटर की है? मान लीजिए 3 मीटर की ये रस्सी है। ठीक है, 3 मीटर की रस्सी है और मुझसे कहा गया है कि भैया इसको 2 लोगों में बांट दो। तो हम क्या करेंगे भैया, 3 में 2 से भाग लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया रस्सी के कितने बड़े बड़े टुकड़े हमें करना है। ठीक है, जैसे कि हम 3 में भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 1.5। मतलब 3 मीटर रस्सी को यदि हमें 2 लोगों में बांटना है तो हमें 2 टुकड़े करने होंगे। कितने कितने? 1.5 और 1.5 के हमें 2 टुकड़े करने होंगे, तब जाकर हमारा जो है वो भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो भाग ये होता है कि किसी भी चीज को बांटना। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कि भैया भाग होता क्या है। अब भाग के सवाल आपको आ किस किस प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 1024, इसमें हमें भाग देना है 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भैया 2 से आपको भाग लगाना है 1024 में। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए, पहला तरीका ये है कि आपको भाग का सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, दूसरा तरीका ये है कि आपको भाग का सवाल इस रूप में भी दिया जा सकता है, और एक और तरीका है जैसे कि 1024 यानी 1024/2, ये आपका तीसरा तरीका है, भाग का सवाल आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अगर तीनों में से आपको कोई भी कंडीशन दी हो तो आपको समझ लेना है कि भैया हमें क्या करना है, यहां पर भाग ही करना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए अब इसके बाद में हम करेंगे भाग के सवालों को हल। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे पहले सवाल में। पहला जो सवाल है वो बिल्कुल बेसिक रहेगा, जिनको भाग नहीं आता है या जो शुरुआत से भाग सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखिए 1024, ठीक है, इसमें हमें 2 से भाग लगाना है, तो हम इस प्रकार से 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, जिस संख्या से हमें भाग लगाना है उसको हम इधर लिखेंगे और जिस संख्या में भाग लगाना है उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या 2 से 1 में भाग चला जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 अंकों में ट्राई करेंगे। ठीक है, एक साथ भाग लगाएंगे 2 अंकों में कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़े कि या तो 10 आए या 10 से कम आए, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने? 5 बार। ठीक है, तो 5 को लिखेंगे यहां पर। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है? 10 आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 10। क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, इस वाले 10 में से इस वाले 10 को घटा देना है। तो घटाएंगे तो 10 में 10 जाएगा, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहां पर है 2, तो 2 को उतार लेंगे। ठीक है, यहां तक का सवाल सॉल्व हो गया। अब इसके आगे क्या है? 2 है, तो 2 को उतार लिया। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 2 आए या 2 से कम आए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, तो 4 तो ज्यादा हो गया, हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 2 एकम 2, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 1 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आया? 2 आया, तो 2 लिखेंगे यहां पर। अब इस 2 में से इस 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ भी
नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसका अगला नंबर क्या है, चार है, चार को उतार लेंगे यहां पर, ठीक है। अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो चार आए या चार से कम आए, लेकिन चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दो एकम दो, दो दुनी चार, तो दो का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, दो का पहाड़ा पढ़ा हमने दो बार, दो का पहाड़ा दो बार पढ़ने पर कितना आता है चार, तो यहां पर आगे हमारा चार। अब इसको हम घटाएंगे, चार में चार जाएगा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, उनको आप समझिए। ये तो हमारा भाग कंप्लीट हो गया, भाग ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो जो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाजक, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो हमारा उत्तर आया है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक है। ये हमारा हो गया भागफल। अच्छा, यहां पर कोई संख्या बच जाती तो उसको हम बोलते क्या, शेषफल। क्या बोलते, शेषफल बोलते, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल होता। तो भाग में क्या क्या चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए, तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। चलिए अब हमारा अगला जो सवाल है इसकी ओर बढ़ते हैं, इसमें आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और तीसरा जो सवाल है इसमें आपको एक और नई चीज सीखने को मिलेगी, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तीसरे सवाल को भी, ठीक है। तो ये हमने यहां पर भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा 94.5, मतलब 945। इसमें हमें भाग लगाना है काय से, तीन से, तो तीन को हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर चेक करिए, क्या तीन से नौ में भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, क्योंकि तीन से नौ बड़ा है, ठीक है। तो तीन का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो नौ ही आए या नौ से कम आए, लेकिन नौ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, तीन एकम तीन, तीन दुनी छह, तीन त्रिका नौ। तीन का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आता है, नौ आता है, ठीक है। तीन का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आता है, नौ आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नौ में से इस नौ को घटा देंगे, नौ में से नौ जाएगा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब उतारेंगे हम चार यहां पर, ठीक है। अब चार उतार लिया, अब तीन का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो चार आए या चार से कम आए, लेकिन चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, तीन एकम तीन, तीन दुनी छह, तो छह तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तीन का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, तीन आता है, ठीक है। तीन का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर तीन आया, तो हम क्या करेंगे, चार में से तीन को घटाएंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा, तो ये बच गया हमारा एक, ठीक है। अब चार के बाद एक और संख्या है, कौन सी संख्या है, पांच, तो पांच को यहां पर उतार लो। अब हम तीन का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो पंद्रह आए या पंद्रह से कम आए, लेकिन पंद्रह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, तीन एकम तीन, तीन दुनी छह, तीन त्रिका नौ, तीन चौके बारह, तीन पांचे पंद्रह। तीन का पहाड़ा पांच बार पढ़ने पर कितनी बार, तीन का पहाड़ा पांच बार पढ़ने पर कितना आता है, पंद्रह। तो यहां पर हम लिखेंगे पंद्रह, ठीक है, और इसको घटाएंगे, तो पंद्रह में से पंद्रह जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है, भागफल आ गया है। क्या आ गया है, भागफल आ गया है, ठीक है। ये भागफल है, ये हमारा भाज्य है, क्या है, भाज्य है, और ये हमारा क्या है, भाजक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, भाजक है, ठीक है। तो तीनों चीजें हमें पता चल गई है, शेषफल इसमें बचा नहीं है, ठीक है। तो आशा है इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा जो तीसरा सवाल है इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, और हमारा जो अगला सवाल है इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 98.93, ठीक है। इसमें हमें भाग लगाना है काय से, नौ से, ठीक है। तो देखिए 9 है यहां पर पहली संख्या, क्या 9 से 9 में भाग चला जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर संख्याएं हैं, तो भाग एक बार चला जाएगा। तो हम 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 9 आए या 9 से कम आए, तो एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, 9 आता है, तो ये हमने लिख दिया 9, 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 9 आता है, क्लियर। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर उतारेंगे, यहां पर क्या है, 8, तो ये हमने उतार लिया 8, और ये आ गई हमारे सामने समस्या। क्या समस्या है, कि भैया 9 से 8 में भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 तो छोटा है, आप क्या करें। तो अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ना जाने की शून्य लगाते हैं, कहां पर, भागफल में, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पर भाग नहीं जा रहा था, तो हमने ना जाने की शून्य लगा दी भागफल में। अब हमें क्या करना है, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पर शून्य लगा देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। यहां पर शून्य नहीं लगाना है, शून्य कहां पर लगाना है, भागफल में शून्य लगाना है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए 8 हमने उतारा था तो इसमें भाग नहीं गया, हमने ना जाने की जीरो लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला नंबर उतार लेंगे। ठीक है, तो इसका अगला नंबर क्या है, 9 है, तो हमने 9 यहां पर उतार लिया। ठीक है, अब हमारा सवाल जो है सही हो गया। ठीक है, अब हम 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 89 आए या 89 से कम आए, लेकिन 89 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 धाम 90। ठीक है, तो 90 तो देखिए ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 9 नाम 81, 89 जो है ये 90 से कम है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 9 नाम 81, 9 बार। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आता है, 81 आता है। ठीक है, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 81 आता है, हमने 81 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, क्लियर, और 8 में से 8 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहां तक हमने उतार लिया था, अब इसके बाद क्या है, 3, तो हमने उतार लिया 3 को। ठीक है, अब फिर से हम 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 83 आए या 83 से कम आए, लेकिन 83 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर वही 9 नाम 81, तो 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आएगा, 81, तो ये हमने लिख दिया 81। चलिए अब घटाते हैं, तो 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सवाल है ये पूरा हो चुका है, ये हमारा क्या आ गया है, भागफल आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है, भागफल आ गया है, और ये हमारा क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है, और ये हमारा क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक है। ठीक है, इसके बाद में ये जो संख्या बच गई है ये हमारा क्या है, शेष फल है, क्या है, ये हमारा शेष फल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शेष फल 2 बच गया है, भागफल हमारा आ गया है 1099, भाज्य हमारा ये है और भाजक हमारा ये है। तो हमने इन तीनों ही सवालों से क्या सीखा कि भैया भाग किस प्रकार से किया जाता है, इसका पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा। आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके बाद कोई भी डाउट लगता है तो एक बार कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, और आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर से कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको जो भी लगे वो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा, और वीडियो को साथ ही लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।